तो लवली पीपल, लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुकी है। अब सीधे चलते हम लोग खाना खाने। ठीक है, आज स्पेशल डिनर है तो दिखाते हैं आपको खाने में आज क्या है। ओके, मिलते हैं मैस के अंदर। अरे पाँच है बस। हाँ, लाइक टू जो वो है ड्यूरेबल। आज स्पेशल डिनर है तो हम लोग को मिला है फ्रेंच फ्राइज, पनीर, मशरूम, ये रायता, फ्राइड राइस और नान। मस्त केक भी है, वो लेने जाएंगे, अभी जगह नहीं थी प्लेट में। ये रहा हमारा केक और ये रहा हमारा, जाने क्या कहते हैं, ऐसे कुछ तो कहते हैं, मस्त था। खैर ये हमारी मैस। देखो भाई आज कितनी भीड़ है चिकन के लिए, वहाँ पर ही भाई बहुत भीड़ है। स्पेशल डिनर है ना, तो पीपल स्पेशल डिनर पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग बस खाना पीना खा के सीधे सर से जल्दी से लाइव आएंगे। ओके, मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो लवली पीपल, हम लोग की लाइव सेशन कम्प्लीट हो गया है फाइनली। और भाई 4 घंटे की लाइव अभी रात में और 3 घंटे की लाइव दोपहर में, टोटल मिला के 7 घंटे हम लोगों ने लाइव में दिए हैं। और प्रॉपर भाई स्टडी करी है, प्रॉपर मजाक से हट के भाई प्रॉपर स्टडी करी है पूरे 7 घंटे लगातार। और भाई आप मेरे साथ काफ़ी लोग भी जुड़े थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई आप लोगों के साथ। मतलब 5 मिनट जो बात करी हम लोगों ने वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था। और भाई अब बस हम लोग, काफ़ी देर हो चुकी है लाइव में, ठीक है हम लोग सीधे चलते हैं भाई कुछ खाने पीने, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात के 2:45। अब भाई 2:45 रात के हो रहे हैं तो कुछ खा लिया जाए भाई, है ना, बहुत बहुत देर हो गया ना। सामने वो कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के पागल चला जा। भाई इतनी भीड़ तो भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखी भाई। लाइव नहीं देखी ना गाइज, यही है इसने लाइव नहीं देखी, मेरी भी लाइव नहीं देखी इसने। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना। रुक ना, मुकेश भैया से मिलके आ रहे हैं हम। कैसे हो और भैया, कैसे हो? बस मिलने आए थे हम, बता सच में मजाक से हट के मिलने आए थे। चाय दे दो। अच्छा चाय दे दो, बस चाय दे रहा हूँ। लवली पीपल, अभी हम लोग आए हैं वीके कैंटीन में, ठीक है, रात में, रात के नाइट कैफे में। और भाई अब लाइव तो देखो हो चुकी है। और गाइज मैं, अगर आपको नहीं पता हो तो अब हम लोग रोज़ लाइव आएंगे 25 तक। उसके बाद है भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी एक स्पेशल ट्रिप होने वाली है 25 से, और रात में ही हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब सीधे हम लोग खाते हैं, ठीक है। लाइव में तो भाई आज लिटरली इतना मज़ा आ गया, लिटरली आप लोगों ने मस्त मस्त बातें करी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पढ़ाई करी 7 घंटे पढ़ाई करी बातचीत करी और ऐसा काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग आगे करते रहेंगे। और गाइस बहुत जल्दी हमारे 1.6 के होने वाले हैं, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो भाई अपने भाई को जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं सीधे हम लोग खाने की तरफ। ये देख कैसे खा रही है, शर्म तो आ नहीं रही है, नहीं। अकेले खाना चालू कर दिया भाई, मुझे समझ में नहीं आता लोगों के अंदर, मतलब घुटक कैसे लेते हैं लोग अकेले। मतलब मैं वहाँ ब्लॉक कर, कैसे ऐसे। भाई मैं वहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ, मतलब ऐसे शर्म नहीं है कि थोड़ा आ जाने, थोड़ा वेट कर ले फिर चालू करते। वेट करने की कोशिश की बट मेरा मन माना नहीं तो मैंने खा लिया। कोई बात नहीं, मैं हम भी बदला लेंगे कभी। ये तो साक्षी, MT की तैयारी कैसी चल रही है बताओ। हंसने वाली हंस रही है हलकट। मैं बताती हूँ, देखो गाइस जब पेपर आने वाले होता है दिल में होती है थोड़ी थोड़ी धुक-धुक। ओके, थोड़ी थोड़ी जिस दिन पेपर होता है उस दिन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पेपर आने पर थोड़ी थोड़ी धुक-धुक होता है। फिर ना जब एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे यार पढ़ लिया है ठीक है, बट फिर वही होता है ना कि एग्जाम्स के पहले भी तुमको सेटिस्फाई नहीं होते आप कि आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशियंट होगा। सिलेबस बहुत होता है मतलब पता, एग्जाम के सुनो तो एग्जाम के 2 महीने पहले ऐसा लगता कि अगर एक हफ्ता और मिल जाता तो बहुत अच्छा कर जाते सच में। और एक हफ्ते पहले हम लोग पढ़ते नहीं है, मतलब ऐसा कोर्स को पढ़ने के बाद लगता है कि भाई इतना भी मुश्किल नहीं था यार, इतना ही मुश्किल लगता है क्योंकि दिक्कत है कि हम पढ़ना लेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर
मार्क्स ना एवरेज के ऊपर आ जाते हैं, लाइक एमटी में थोड़े से एवरेज से बेटर आ जाता है, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि चलो ठीक है अच्छी खासी सीजी आ जाएगी। बट वही है कि अगर नहीं आते हैं तो फिर बहुत दिक्कत है। देखो अब साक्षी जैसे जेई मेंस हुआ अभी, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा जैसे जेई मेंस में रिजल्ट कैसा आया, लाइक कुछ 150 पे भी 99 परसेंटाइल और 240 पे भी 99 परसेंटाइल। मैंने वीडियो देखे काफी, मतलब लाइक उसमें लाइक वी वांट टू ऐसा रिपोर्ट फॉर जेई रिजल्ट्स। हां तो मैं इस चीज पे एक बात करना चाहूंगा। देखो गाइस के तुम लोग का रिजल्ट आ गया, ठीक है, मेई मेंस वन का, अब तुम उसका लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चाहे रिपोर्ट कर लो, ट्वीट कर लो, कुछ भी कर लो, तुम केस कर दो एनटीए पे, जो हो गया सो हो गया, तुम्हारा वही है जो है अब, ठीक है, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम मेंस टू की तरफ फोकस करो, क्योंकि ऑब्वियसली यार क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बस यही कहेंगे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो रियलिटी एक्सेप्ट करो, मेंस टू पे ध्यान दो, जिनका अच्छा नहीं गया और जिनका अच्छा गया, जिनके बहुत से लोग हैं जिनके अच्छे गए, काफी अच्छे हैं, भी देखे काफी लोग हैं, 99.85% काफी अच्छा है, पर ठीक है, इट्स ओके। हमारे साथ भी यही हुआ था कि एग्जाम सेंटर में काफी एग्जाम सेंटर में लोगों ने पैसे देके चीटिंग कर ली थी, तो 99 आ गए थे, ठीक है, तो ये काफी लोग पकड़े भी गए थे जब, लाइक व्हेन आई हैव गिवन इन 2022, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, लाइक ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं, ठीक है, तो इट्स ओके। मतलब जो तुम्हारी फेट में लिखा होगा वो होगा। और वन ऐसा होता है ना कि लोग आईआईटी का ना बहुत हाइप है, बहुत ज्यादा हाइप है यार, पता है, जब आप लोग आओगे ना यहाँ पर तो आपको लगेगा कि हाँ यार कॉलेज लाइफ है अच्छी, पर इतना भी ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा तुम्हारी वो नहीं है कि भाई तुम आ गए तो अब सुकून है, तुम लोग जैसा कहते हैं कि तुम एक बार आईआईटी में आ गए अब तो जिंदगी सुकून है, तुम सब हो गया, भाई नहीं हो, ऐसा नहीं होता। और मेरे अकॉर्डिंग क्या, अगर तुम आईआईटी में हो के भी तुम्हारे पास दोस्त नहीं है ना, तो तुम्हारा आईआईटी में होना ही बेकार है। लाइक इट्स मोर अबाउट द पीपल, ये ऐसे ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए, ऐसे ऐसे पागल लोग होने चाहिए तुम्हारे पास जो कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ को ना अच्छा बना देते हैं। तो भाई भाई पैसा वैसा कमा लोगे बम्पर, कितना भी कमा लोगे, आईटीएन हो चाहे ना हो, पर जो लोग कमाने वाली चीज़ है, जो हैप्पीनेस होती है, रियलिटी देखो क्या होती है, तुम क्यों जी रहे हो इस लाइफ में, क्यों जी रहे हो बताओ, खुश रहने के लिए ना, कहीं ना कहीं अपने आप को खुश करने के लिए, अपने घर वालों को खुश करने के लिए, तो यार खुश रहो यार ज़िंदगी से। मतलब मैं लिटरली बताऊँ मेरी हैप्पीनेस पता क्या है, मैं जेई एडवांस क्वालिफाई किया, मैं आईआईटी में, मुझे ये सब चीज़ें हैप्पीनेस नहीं देती, ठीक है, ये सब चीज़ों से मुझे खुशी नहीं होती। मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, तो वो पैशन फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेरी खुशी है। मैं ट्रैवल करता हूँ, वो मेरी खुशी है। मैं एनिमल लवर हूँ, तुम लोगों का मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे खुशी मिलती है। लाइक वो ऐसा नहीं होता, मैं उससे सरदर्दी नहीं समझ, क्योंकि देखो क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है यूट्यूब पर, वो लोग इस चीज़ को ना सरदर्दी मानते हैं, सबका रिप्लाई करना है, ऐसा ऐसा सबका रिप्लाई करते जाओ, तो उसमें सरदर्दी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो दिन के 100 तो आते ही है मैसेज, मेरे पास भी आते हैं 100 मैसेज, ठीक है, पर हर किसी का मैं रिप्लाई करता हूँ, तो वो मेरे लिए सुकून रहता है लिटरली कि भाई सबका रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, तुम्हारी करी थी क्या? नहीं करते भाई, हम लोग भी कभी एस्पिरेंट्स ही थे, क्यों क्यों तो हमारी हेल्प नहीं हुई हमने, लाइक लिटरली आई टेल यू, आई हैव मैसेज लाइक काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने मैसेज किया था कि लाइक ऐसा होता है ना सीन, जब तुम देखे आते हो कि भैया इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने भी क्या परसेंटाइल आएगी, तो वो कुछ भी एस्टिमेशन बता देते हैं, वो गलत ही होता था। बस मेहनत करते रहो, देखो सीधी बात है, देखो मेरा तो सीधा हिसाब है कि मैं देखो तुम लोग की जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ, उसके अलावा देखो तुम लोग को पता होगा यार, देखो सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, बाकी अब बस हम लोग अभी तो फिलहाल लाइव कर रहे हैं, और आज तो साक्षी आई नहीं थी लाइव में, मैं सो गई थी, ठीक है, मैंने 10:30 बजे देखा था कि तेरी लाइव है, और मैं 11 बजे गई सो, फिर मैं उठी हूँ 2:15 बजे, देन आई जॉइंड यू, फिर उसका यू सेड बाय बाय टाटा, ऑब्वियसली भाई 10:30 बजे लाइव आए थे, 2:30 बजे आ रही है, 2:30 बजे हम लोग ने तो ऑफ किया था, तो बस भाई ठीक है, फ्रॉम टुमारो आई विल जॉइन इट, तो दोबारा कल से हम लोग लिटरली आई कांट बिलीव इसने 7 घंटे पढ़ाई कर ली, ये बंदा 1 घंटे नहीं पढ़ता है, मैं बोल रही थी 7 घंटे पढ़ के ऐसे लिया, मैं शॉक में हूँ, लाइव है ठीक है, देख लेना लाइव डली है यूट्यूब पे, 7 घंटे पढ़ा ये बंदा, नाइस, तो अप्रिसिएशन इन लोगों को दो किसी और को मत दो, मुझे मत दो, इन लोगों को दो, इन लोगों के वजह से, थैंक यू गाइस, आपने इसको सुधार दिया। देखो क्या होता है ना, जैसे लोग देखो रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो जैसे होता नहीं है कि मतलब रिलेशनशिप में लोग बार अपने वो अपने जो सोलमेट है उनके साथ बैठ के पढ़ते हैं वीडियो कॉल पर,
और हम लोग के साथ तो भाई हम लोग सिंगल हैं, मेरी आप ही फैमिली हो तो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, समझ रहे। बोलने के लिए कई सारी बातें मिल जाती है, कुछ नहीं बोलते कुछ। एक बार बताऊँ गाइस, वैसे क्योंकि आज सुबह से पता मैंने व्लॉग नहीं किया तो मैं बस खींच रहा हूँ व्लॉग को, मजाक से। बस बस यही समझना जितना है? खींच रही मैं सिर्फ खींच रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 7 घंटे वहाँ और फिर थोड़ा बहुत अपन सुबह उठे ही अपन कितने 1 बजे थे, ठीक है, वीडियो डाल के। नाइस, तो यार काफी ज्यादा प्रोडक्टिव काम किया है, मैंने भी काम किया प्रोडक्टिव। मैं लाइक मैं उठी थी 2:30 बजे। तो गाइस सुनो, कल की लाइव होगी और मैं इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दूंगा लाइव जब भी होगी, तो सीधे मिलते हैं आप लाइव में। ओके, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, मैं भी आऊंगी गाइस। तो गाइस ओके बाय। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा।